हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 7 के टॉप 10 रेडर और टॉप 10 डिफेंडर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आखिर कौन है प्रो कबड्डी सीजन 7 में टॉप 10 रेडर और टॉप 10 डिफेंडर। जैसा कि आपको पता है कि प्रो कबड्डी सीजन 7 में टोटल 12 होम लेग होते हैं, जिसमें से 11 होम लेग खत्म हो चुके हैं। केवल अब हमें एक ही होम लेग देखने के लिए मिलेगा। तो हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि 11 होम लेग के बाद आखिर कौन चल रहे हैं टॉप 10 रेडर और कौन चल रहे हैं टॉप 10 डिफेंडर। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको कबड्डी क्रिकेट में सारी अपडेट सबसे पहले चैनल पर देते रहता हूँ। अब तो फाइनल भी जल्दी आने वाला, तो मैं आपको फाइनल तक सारी अपडेट मैं आपको सबसे पहले दूंगा, और फाइनल के बाद मैं आपको और भी कुछ अपडेट दूंगा कबड्डी के रिलेटेड बात में। करें नंबर 10 रेडर की, तो नंबर 10 पर है श्रीकांत यादव, जिनका टोटल पॉइंट है 123 पॉइंट। और बात करें 9 नंबर की, तो 9 नंबर पर है रोहित गुलिया, जिनके टोटल 124 पॉइंट। और बात करें 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर पर है अभिषेक सिंह, जिनके टोटल पॉइंट है 125। और बात करें 7वें नंबर की, तो 7वें नंबर पर है दीपक निवास हुड्डा। अभी लगता है जैसे दीपक निवास हुड्डा को इंजरी हुआ, इसलिए अभी हमने देखा था जयपुर के मैच में वो नहीं खेल रहे हैं। लगता है जैसे उनके बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई, इसलिए अभी इंपॉर्टेंट मैच में वो नहीं खेल पाए। आशा करते हैं कि उनका इंजरी जल्दी ठीक हो जाए। और दीपक निवास हुड्डा के टोटल पॉइंट है 146। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे नंबर के बारे में। तो 6ठे नंबर पे है विकास खंडोला, जिनके टोटल पॉइंट है 172। तो चलिए अब बात करते हैं 5वें नंबर की, आखिर कौन है प्लेयर सिद्धार्थ देसाई। जी हाँ दोस्तों, 5वें नंबर पे है सिद्धार्थ देसाई। सिद्धार्थ देसाई का स्टार्टिंग के कुछ मैचों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था, क्योंकि वो उस समय वो इंजर्ड थे, लेकिन अब उनका इंजरी ठीक हो गया और अब हम लोग देख सकते हैं वो कितने अच्छे प्रदर्शन कर और रहे बात करें हैं। सिद्धार्थ देसाई की टोटल पॉइंट की, तो सिद्धार्थ देसाई के टोटल पॉइंट है 189। तो चलिए अब बात करते हैं आगे के प्लेयर की। तो 4ठे नंबर की बात करें तो 4ठे नंबर पर है मनिंदर सिंह, जिनके टोटल पॉइंट है 205। और बात करें 6ठे नंबर की, बात करें 3रे नंबर की, तो 3रे नंबर पर है नवीन कुमार। नवीन कुमार के टोटल पॉइंट है 256। और बात करें 2रे नंबर की, तो 2रे नंबर पवन सावत, पवन सावत का टोटल पॉइंट है 295। और बात करें पहले नंबर की, तो पहले नंबर पर है प्रदीप नवल, प्रदीप नवल का टोटल पॉइंट है 302। लेकिन प्रदीप नवल का लास्ट मैच देखकर मजा आ गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया। उन्होंने बोला था कि मैं ये मैच फैंस के लिए खेलूंगा, और उन्होंने खेल कर दिखा दिया। ये तो बात हो गई रेडर की। अब चलिए बात करते हैं डिफेंस की, आखिर डिफेंस में कौन है टॉपर और कौन है सबसे नीचे। 10वें नंबर की बात करते तो 10वें नंबर पर है निकू नरवाल, जिनके टोटल पॉइंट है 53। और बात करें 9वें नंबर की, तो 9वें नंबर पर है नीरज कुमार, जिनके टोटल पॉइंट है 54। और बात करें 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर पर है नीतेश कुमार, जिनके टोटल पॉइंट है 56। और बात करें पहले नंबर 7वें नंबर की, तो 7वें नंबर पर है रविंदर पहले, इनके टोटल पॉइंट है 57। और बात करें 5वें नंबर की, तो 6ठे नंबर की, तो 6ठे नंबर पर है सुरजीत सिंह, सुरजीत सिंह का टोटल पॉइंट है 58। और बात करें 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर पर है बलदेव सिंह, और इनके टोटल पॉइंट है 59। और बात करें 4ठे नंबर की, तो 4ठे नंबर पर है विशाल भारद्वाज, जिनके टोटल पॉइंट है 61। और बात करें 3रे नंबर की, तो 3रे नंबर पर है फजादरा चले, जिनके पॉइंट है 64। और बात करें 2रे नंबर की, तो 2रे नंबर पर है सुरजीत सिंह, जिनके टोटल पॉइंट है 65। और बात करें पहले नंबर की, तो पहले नंबर पर है संदीप बोले, इनके पॉइंट है 71। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।